हेलो फ्रेंड्स, हम आज एक नए डिज़ाइन का पायदान बनाना सीखेंगे। इसके लिए हमने ये 9 नंबर की सिलाई ली है और 2 कलर के कपड़े की पट्टी ली हुई है। ये देखिए, आप इसे साड़ी, चुन्नी, मैक्रेम या ऊन से बना सकते हैं। हमने ये साड़ी की पट्टी ली हुई है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस पे एक नॉट लगाएंगे सिलाई पे। ये देखिए, हमने ये सिलाई पे नॉट लगा लिया है। अब इस तरह से इसमें 20 फंदे डालेंगे। देखिए, इस तरह से 20 फंदे डाल लेंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इसको बनाना बहुत आसान है, सिंपल तरीके से। पहले इसको पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बना लेंगे। देखिए, इस तरह से पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि हमारे पायदान की वीडियो आपको कैसी लगे। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी इसमें कुछ भी नहीं करना है, उल्टे उल्टे की ऐसे 20 फंदे की एक पट्टी बना करके तैयार करना है। ये देखिए, पहला फंदा उतारेंगे, पट्टी को अपने साइड कर लेंगे। ये देखिए, फिर ऐसे ही सभी फंदों को उल्टा उल्टा बनाते जाएंगे। इसी तरह से इसकी 2 लाइन बना करके कंप्लीट करेंगे, यानी 4 सिलाई बुन करके। ये उल्टे की जैसे ये पहली लाइन जा रही है, ऐसी एक लाइन और बना लेंगे, यानी ये 4 सिलाई हो जाएगी। इसकी 4 सिलाई हम पहले बुन लेते हैं। ये देखिए, हमने उल्टे की ये 2 लाइन बना करके कंप्लीट कर लिए, 1 और 2। अब यहाँ से हम दूसरे कलर की पट्टी जोड़ेंगे। ये देखिए, दोनों साइड से 1, 2, दोनों साइड से उल्टे की 2-2 लाइन बन करके तैयार हो गई है। अब यहाँ से दूसरे कलर की पट्टी जोड़ लेंगे। ये देखिए, और इस पट्टी को इसके अंदर दबा लेंगे तो ये बाहर को दिखेगी नहीं। ये देखिए, इसको इसके अंदर दबा करके ऐसे बुन लेंगे। ये देखिए, इसमें कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड्स, बस उल्टा उल्टा बुनते हुए दोनों साइड से ऐसे पूरी पट्टी हमें तैयार करनी है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि दोनों साइड से हमें पहला फंदा उतारते जाना है। ये देखिए, पहला फंदा उतार लेंगे, पट्टी को अपने साइड किया। ये देखिए, दोनों साइड से इसी तरह से उल्टा उल्टा बुन के इसकी भी अब 4 सिलाई हम बना करके कंप्लीट कर लेंगे, यानी 2 लाइन उल्टे की। इसकी भी हम जैसे इसकी 2 लाइन बनाए थे, ऐसे इसकी भी 2 लाइन बना लेंगे। पहला फंदा उतार लेंगे, हर बार दोनों साइड से हमें पहला फंदा उतारना है। ये देखिए, ये देखिए 1 लाइन हो गई। अब 1 लाइन और हम बना लेंगे उल्टे की। पहला फंदा उतारेंगे, पट्टी को अपने साइड किया। ये देखिए, अब यहाँ से हमें दूसरा कलर लगाना है तो इस फंदे को बुनेंगे नहीं, पट्टी यहाँ से पलट देंगे। इस फंदे को यहाँ पे ऐसे उतार लेंगे सिलाई में, और इस फंदे से अगर हम इस साइड से इस फंदे को बुन लेते तो इसको हमें उतारना होता,
यहाँ दूसरे कलर की पट्टी लगानी है, तो हम इसको इस साइड से नहीं बुने, अब इस साइड से इसको बुन लेंगे। ये देखिए, बस ये सीधी दोनों कलर की ये जो कपड़े की पट्टी है उससे दो दो लाइन उल्टे की बनाते हुए ये पट्टी तैयार करेंगे। इस जो पर्पल कलर है इसकी जो है 8 लाइन बनेगी, और ये ऑरेंज कलर है इसकी 7 लाइन बनेगी। तो ये पूरा पहले पट्टी हम बना लेते हैं सीधी, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये पट्टी बना करके तैयार कर ली है। ये पर्पल कलर की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लाइन बन गई है, और इसकी 7 लाइन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये टोटल जो है कि 15 लाइन तैयार हो गए। देखिए, अब हमें यहाँ से 2 का 1 करते हुए सभी फंदों को बंद कर देंगे। ये देखिए, 2 फंदे एक साथ लेकर के इस तरह से बुन देंगे, वापस सिलाई में डालेंगे। फिर ये देखिए, इसी तरह से सारे फंदों को बंद कर लेते हैं। ये देखिए, 2 का 1 करते हुए इन फंदों को बंद कर लेंगे। ये देखिए, वापस सिलाई में डालेंगे, फिर ऐसे सारे फंदों को बंद कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे फंदे बंद कर दिए हैं, एक फंदा हमारा लास्ट में ये बचा हुआ है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए, इधर जो हमने ये सारे फंदे उतारे हैं इनमें से, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए उठाते हुए ऐसे बुन लेंगे। इस तरह से हमें टोटल 33 फंदे उठाने हैं। ये देखिए, इसको उठाएंगे, इसमें से ऐसे बना लेंगे। ये देखिए, इसको ऐसे उठाया और इस तरह से बुन लिया। ये देखिए, ये जो हमने फंदे उतारे हैं उसमें से, ये देखिए साइड में जो हम एक फंदा उतारते हैं उसमें से ऐसे उठाते हुए ये 33 फंदे हम उठा लेंगे। ऐसे ही पूरे यहाँ से यहाँ तक हम 33 फंदे उठा लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने टोटल 33 फंदे उठा लिए हैं। अब इसको देखें, अभी इस तरह से यहाँ से सभी फंदे इस तरह से उल्टे उल्टे बुनेंगे। सबसे पहले हम यहाँ 15 फंदे बुन लेंगे इस साइड, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये देखें, 15 फंदे हमने ये बुन लिए हैं। अब देखिए, 15 फंदे इस साइड छोड़ देंगे, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 12, 14, 1, 15, और बीच में ये 3 फंदे हो गए। 15 हमने इस साइड कर लिए, 15 इस साइड, बीच में ये 3 फंदे हैं, इनको एक साथ बुन लेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये तीनों को इस तरह से एक साथ बुन लेंगे। बाकी फंदे ऐसे उल्टे उल्टे बना लेंगे, और उल्टी साइड से हमें कुछ भी नहीं करना है। उल्टी साइड से हम, ये देखें, सारे फंदे उल्टे उल्टे ही बना लेंगे, उल्टे साइड से उल्टा उल्टा ही बुन लेंगे। सीधे साइड में आपको फिर एक बार और बताऊंगे कि कैसे बनाना है। ये देखिए, सभी फंदों को हमने बना लिया। अब इधर साइड से पहला फंदा उतारेंगे, पट्टी को अपने साइड कर लेंगे, और पूरी सिलाई उल्टे उल्टे बुन लेंगे। ये देखिए, ये जो हमने यहाँ पे 3 का 1 किया था फंदा, इसको भी बुन लेंगे। तो ये उल्टे साइड से उल्टा उल्टा बना लेते हैं, उल्टे साइड से हमें कुछ नहीं करना है। ये देखिए, उल्टे साइड से पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बना लिया है हमने। पहला फंदा उतारेंगे, दोनों साइड से हमें फंदे उतारने हैं। फिर देखिए, उस बार हमने ये 15 फंदे बनाए थे, अब ये 14 फंदे बुन लेंगे। अब ये देखिए, हमने यहाँ पे 3 का 1 किया था, अब एक फंदा इस साइड से ले लेंगे और एक फंदा इस साइड के, इस साइड से, और फिर ये देखिए तीनों को इस तरह से बुन देंगे। ये देखिए, अब देखिए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 12, 14, 14 फंदा इधर भी रह गया और 14 फंदा इस साइड भी। उल्टे साइड से हमें कुछ भी नहीं करना है, उल्टे साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बनाते जाना है।
ये हमने ये इस पर्पल कलर से दो लाइन बना लिया, इस कलर से पर्पल से। अब हमें यहाँ से दूसरा कलर लगाना है, तो इस पट्टी को हमने पीछे कर लिया। अब इस फंदे को हमने इस साइड से उतार लिया, दूसरे साइड से हम इस फंदे को बुन लेंगे। ये देखिए, अब यहाँ से, क्योंकि हम दूसरे कलर की पट्टी हमेशा उल्टे साइड से लगाते हैं, तो यहाँ से हम ये देखें ऑरेंज कलर की पट्टी हमने लगा ली है। अब इस पट्टी को इसके बीच में ले लेंगे तो पता नहीं चलेगा, इसको इसके बीच में रख करके लपेट लेंगे। ये देखिए, उल्टे साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए, पहला फंदा उतारेंगे, फिर पट्टी को अपने साइड करके, वैसे ही हर बार एक एक फंदा दोनों साइड से कम होता जाएगा। अभी ये यहाँ बीच में आ गए, अब ये तीन का एक यहाँ पे कर लेंगे। ये देखिए, तीन फंदे को एक साथ इस तरह से बुन लेंगे। ये देखिए, और बाकी उल्टे उल्टे बना लेंगे फंदे बाकी सभी। इसी तरह से दो लाइन, जैसे ही हमने उल्टे की दो लाइन ये पर्पल से किए, वैसे इस लाइन इसको भी दो लाइन पर करके फिर बाकी हम सभी फंदों को इसी तरह से तीन का एक करते हुए सभी फंदों को घटा लेंगे पर्पल से बनाते हुए। लास्ट में एक फंदा रह जाएगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने पूरा बना लिया, लास्ट में ये तीन फंदा बचा है, इसको भी हम देखिए एक साथ इस तरह से लेकर के बंद कर देंगे। ये देखिए, अब इस पट्टी को हम कट कर देंगे, यहाँ से कट करके इसके बीच से निकाल देंगे, इस तरह से टाइट कर दें, ऐसे काट देंगे। ये देखिए, हमने ये बना करके तैयार कर लिया है। ये जो हमारे एक पत्ती बन करके तैयार है, ऐसे चार और तैयार कर लेंगे। चार हमने और तैयार कर लिया है। ये देखिए, ये हमने ऐसे पांच बना लिया है। अब इसको कैसे सिलना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए, पांच तैयार हो गया। अब इसको देखिए कैसे सिलेंगे। अब इनको ऐसे रख लेंगे। ये इस तरह से हो गया। अब इसको हम देखिए ऐसे उल्टा कर लेंगे और इस तरह से पकड़ के यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, हमने इसके लिए बड़ी सुई ली है और मोटा धागा लिया हुआ है। अब इसे ये दोनों को आपस में इस तरह से मिलाते हुए इस तरह से इसको सिल लेंगे। इसी तरह से सिलते हुए पांचों पत्तियों को आपस में जोड़ लेते हैं, फिर उसके बाद दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये पायदान बनकर के तैयार हो गया है। देखिए, काफ़ी बड़ा बना हुआ है और देखने में भी बहुत प्यारा लग रहा है। देखिए कितना सुंदर है। आप ऐसे ही जितना भी बड़ा बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। ये भी काफ़ी बड़ा है, आप इससे भी बड़ा बना सकते हो। अगर हमारे ये पायदान की वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। देखिए, और भी ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर पायदान हम आपके लिए लेकर के आएंगे। ओके, बाय, थैंक यू।